भाई ये देखो क्या बात है सर। बोलना ये है कि थैंक यू सो मच, क्योंकि इसमें ना आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जबरदस्त, एक वर्ड कश्मीर के लिए बताओ। कश्मीर है क्या, क्या बताऊं? जन्नत जन्नत है। जन्नत जन्नत। दानिश भाई को बोला था शहरी के टाइम उठाने के लिए, दानिश भाई एकदम टाइम पे आ गए और मुझे उठा दिया। क्या बात है सर, थैंक यू थैंक यू। 3:54 AM राइट नाउ। वेलकम बैक टू चैनल। उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और करते हैं शहरी, ठीक है? आँखें नहीं खुल रही यार। ओहो, आपने खाया कुछ? नहीं अभी नहीं खाया। डायरेक्ट मुझे उठाने आ गए? क्या बात है, मैंने अलार्म भी रखा था यार, मैंने सुना ही नहीं। चलो जी। ओह क्या बात है, ठंड काफी है यार। ये क्या आवाज आ रही है यार? ये क्या है भाई साहब? आप गैस में फ्रेश होके बाथरूम में बड़ी आवाज हो रही है यार। क्या भूं भूं हो रहा है कुछ? जाता है। ये क्या मसला है? What is wrong? खैर, इसमें है फ्राइड फिश और ये है जी हमारा सैंडविच। क्या बात है, और कुछ है ना? और एक केचप। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। दानिश भाई खाइए सर। अरे खा ना खा, अरे खा, टेस्ट कर टेस्ट। कैसा है? बढ़िया। दबा के खाओ, दबा के। तो गाइज अभी शहरी में मुझे तारिक भाई ने ज्वाइन किया है, जो कि दबा के खाना खा रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप, ये देख लो कैसे रखा हुआ है भाई साहब ने, दबा के खा रहे हैं। खाया नहीं जाता है दबा। क्या बात है, बार क्यों खाया तूने यार? मैंने भी फ्राइड फिश खा लिया, अभी सैंडविच खाते हैं। दानिश भी चला गया, वो चला गया शहरी करने, जल्द से खाते हैं। खा रहा है, मैं तो ये लूंगा। वेलकम बैक गाइस। शहरी के बाद जो सोने में मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है, कि नहीं? खैर अभी फिलहाल मस्त 11 बजे में नींद से उठा हूँ, नहा धोके फ्रेश हो गया मैं, और आज का हमारा प्लान है जी ट्यूलिप गार्डन जाने का। यस, ट्यूलिप गार्डन साल में एक बार खुलता है, आप सब जानते होंगे। 10-20 दिन पहले खुला था और तब हम जा नहीं पाए थे क्योंकि हम ट्रिप पे थे। तो आज हम जा रहे हैं ट्यूलिप गार्डन, बड़ा मजा आने वाला है। और मेरा प्लान है फोन लाने का भी उधरी से। मैं बहुत अभी सोच रहा था फोन अपग्रेड करने का, मेरे पास है 13 Pro Max, तो मैं सोच रहा हूँ 14 ले लूँ, 14 Pro Max। ये ना एक्सचेंज में थोड़ा 5,000 ऊपर से एक्स्ट्रा डाल देंगे और 14 ले लेंगे, ठीक है? सो यस, हम जा रहे हैं तारिक, दानिश और मैं, ठीक है? उनको बोलता हूँ, निकलते हैं। पावर बैंक साथ उठाते हैं क्योंकि फ़ोन में बैटरी कम है। और कुछ उठाना है? मास्क मास्क मास्क। तारिक भाई क्या बात है, लौंडा तैयार हो रहा है, चल निकलते हैं। बाहर ही निकल गए यार। क्या बाहर ही निकल गए? बाल झड़ रहे हैं, दो चार ही बचे सेंटर वाले। आ जाओ निकलते हैं, लेट्स गो। दानिश भाई आ गया? दानिश भाई, दानिश भाई चलो जी आ जाओ, आ जाओ जल्दी जल्दी। गाड़ी की चाबी रह गई अंदर यार, शिट, असली सामान अंदर रह गया। गुड टू गो। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। क्या चलो जी निकले। तो गाइज निकल पड़े जी हम ट्यूलिप गार्डन की ओर, यहाँ से है लगभग 20 किलोमीटर दूर ट्यूलिप गार्डन। तो चलते हैं और करते हैं मजे, और दिन भी उधर से निकल जाएगा, रोजा भी नहीं लगेगा। मस्ती करेंगे मस्त। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जहाँ हम जा रहे हैं, तो हाँ लेट्स गो।
अच्छा गाइस, पहले हम ट्यूलिप गार्डन ही जा रहे हैं, उसके बाद फोन ला रहे हैं, ठीक है? पहले फोन ही ला था, लेकिन फोन लेने में टाइम लगेगा क्योंकि डेटा ट्रांसफर करना है सारा, पुराने फोन से नए फोन में डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक घंटा तक लग जाता है उसमें। तो इससे पहले ट्यूलिप गार्डन घूम के आएंगे, उसके बाद फोन लेंगे। ओके, और ये पहुंच गए जी हम हमारे खूबसूरत से डल लेक में। यहाँ से है लगभग 4-5 किलोमीटर ट्यूलिप गार्डन, लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत मिलेगा क्योंकि टूरिस्ट आते जाते हैं ना, ट्रैफिक बहुत मिलेगा। ये देख लो जी टूरिस्ट, ये सारे टूरिस्ट है यहाँ से, कश्मीरी मुझे एक नहीं दिख रहा। टूरिस्ट को ज्यादा नहीं आ गए आज। ये देख लो जी ट्रैफिक, ये देखिए जी खूबसूरत खूबसूरत नजारा। दिल करता है डुबकी एक मार के यार, पर सभी बोलेंगे पागल हो गया, तो काफी गहरा होगा। आई हई कबूतर, उतरो जी उतरो। एंड गाइस वी आर फाइनली हियर, और पार्किंग में देखो गाड़ियाँ कितनी है, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया के लोग इधर आए हुए हैं भाई। भीड़ है यार, भीड़ बहुत ज़्यादा है यार। ये देख लो जी कितने लोग आए हुए हैं, देख लो। और यहाँ से देख लो खाने पीने की चीज़ें, शरबत मोहब्बत सस्ता, क्या बात है सर। कितने का है सर ये? ये 50 का है, 20 का है। पेटीएम एक्सेप्ट कर, पेटीएम चलेगा, पेटीएम दीजिए सर, एक दीजिए 50 वाला, दीजिए 50 वाला। क्या बात है जी, क्या बात है, मस्त मस्त। दानिश दानिश करे रमार, ए हे क्या बात है, क्या बात है, खिलाड़ी नंबर 2। ये देख लो जी भाई साहब, यहाँ पे कुछ सेल चल रही है कुछ। ये रही जी ट्यूलिप गार्डन के एंट्रेंस, यहाँ से लेंगे टिकट और घुसना है अंदर। टिकट होती है शायद 40 रुपए की, मुझे याद ही नहीं है, 40-50 ऐसा कुछ। ले लीजिए हमने 3 टिकट्स, 60 रुपीज की एक टिकट है, 180 की 3। तो गाइज ले लिया जी हमने एंट्री ट्यूलिप गार्डन में, एंड भाई साहब दिस लुक्स ब्यूटिफुल, लुक एट दिस गाइज, भाई साहब खूबसूरती ये है गाइज, दिस इज द रियल ब्यूटी। नाइस भाई पहली बार आ रहे हैं ना, कैसा लग रहा है देख के भाई? बढ़िया है, खुश हो गए, मज़ा आ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये, एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। ओके देख लो, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, खूबसूरती है यार, खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देख लो भाई, ये देखो क्या नज़ारा है भाई, यहाँ से देखो ब्रो। तारिक भाई ये देख के क्या लग रहा है आपको? क्या लगेगा यार, हम बोल ही नहीं सकते, वोट ही नहीं है हमारे पास। देख लो जी, ये देख लो, करीब से देख लो कितने खूबसूरत फूल है यार, ये वाइट वाले कितने प्यारे हैं यार भाई, भाई साहब लुक एट दिस। दानिश भाई इधर से आना, क्या विचार है आपके? ओ ब्रो कैसा मजा क्या मजा है, कितना खूबसूरत है ये, जबरदस्त। एक वर्ड कश्मीर के लिए बताओ, कश्मीर है क्या, क्या बताऊं, जन्नत जन्नत है, जन्नत जन्नत भाई साहब। दानिश ने बोल दिया, इसका मतलब है भाई ने बोला है तो है, है तो है। देख रहे हो क्या बात है, look at this beauty guys, इतने मस्त मस्त प्यारे प्यारे खूबसूरत से फूल है यहाँ पे, मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा दानिश भाई आपको बहुत मजा आ रहा है। 68 टाइप के फ्लावर्स है इस गार्डन में, देख रहे हो कमाल, 68 वैरायटीज। कैमरा तो कभी जस्टिफाई नहीं करेगा, अगर आपको इसकी खूबसूरती असल में देखनी है तो आपको कश्मीर आना पड़ेगा और यहाँ ये लुत्फ उठाना पड़ेगा, कश्मीर आओ और मजे लो। क्या भाई दानिश भाई, कितना गहरा है ये, वहाँ जा वहाँ वहाँ पे फोटो लूंगा मैं वहाँ पे, अरे गहरा नहीं है, जा तू क्या भाई, पोज दे पोज, क्या बात है, बस हो गया हो गया, आजा आजा। ये पेड़ कितना मस्त है ना, वाओ खूबसूरत, खूबसूरत
ये तो कश्मीर है, वो लाइन देखो जाए। ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना। क्या बात है, बस एक लाइन काफी है। तेरी याद सता है रात रात। कुछ यू लीव 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 धीने तेरे किट धा धा धा। हाँ कुछ यू लीव। चलो जी चलो जी। मजा आया? हाँ। कितना मजा आया? बहुत। चलो चलते हैं। मजा बहुत है यार, गर्मी भी है ना सर। गर्मी बहुत है यार। तो गाइज अभी एक दो घंटा ट्यूलिप गार्डन में मस्ती वगैरह करके हम निकल आए जी ट्यूलिप गार्डन से। और अभी फिलहाल रोजा लगना शुरू हो गया है। तारिक भाई डेड है, मुझे प्यास लग रही है यार। अभी हम जल्दी चलते हैं फोन लेने, फोन लेते हैं और चलते हैं डायरेक्ट गेस्ट हाउस, आराम करते हैं। बहुत ज्यादा थक है, धूप बहुत यार एक्चुअली आज। अभी फिलहाल तो हम ट्रैफिक में फंसे हैं, लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं हम। ये मन फी कल्बी के रहमतुल लिन्नास अभी पहुंच गए जी हम मोबाइल स्टोर, लेते हैं जी 14 प्रो मैक्स। सही है बॉस। तांश भाई आप मत कुछ लेना है। बूट हम खुद करेंगे। नाइस भाई करो बूट आप खुद। क्या बात है, कर होल्ड। घर में करते हैं अच्छे से, लेकिन अभी डेटा ट्रांसफर करना है ना, कर। हो गया। क्या बात है, कलर अच्छा है ना तारिक, अच्छा ना डीप पर्पल। हेलो इंग्लिश, अच्छा ना। गेस व्हाट गाइस, टाइम क्या है भाई? 6:52 राइट नाउ। इफ्तारी में 5 मिनट बचे हैं एंड वी आर स्टिल हियर एट द स्टोर। और अभी भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है 2 घंटे से, लिटरली इट्स बीन 2 आवर्स डेटा अभी ट्रांसफर हो रहा है। अभी भी दिखा रहा है अबाउट 1 आवर रिमेनिंग। एक्चुअली डेटा बहुत था, लगभग 200 GB का डेटा था, इसलिए टाइम लग रहा है। अगेन भाई साहब ने अब हमारे लिए थोड़ा इफ्तारी का इंतजाम कर लिया, जिसके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं। क्यों तारिक भाई, तो थैंक यू सो मच ब्रदर। तो भाई इफ्तारी इधर ही करेंगे और फिर निकलेंगे, ठीक है? इफ्तारी हो गई, ओके। ये भाई साहब हमारे लेके आए हैं स्पेशल खयाम की तुझ। क्या हो गया? खा हो गया। अरे कोई बात है, 2 लेंगे बाद में। ये देखो। हाँ। मस्त। बढ़िया ना? दिल्ली वाली। दिल्ली वाली है? सो के चार। मस्त है यार। इफ्तारी से पहले ना इंसान का मन होता है यार 2-4 डब्बे खा लूंगा, लेकिन फिर जल्दी पेट भर जाता है बंदे का। चलो 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 चलो। कुत्ता जी प्लीज साइड रहेंगे आप? अरे यार कुत्ता ओए, इसको हटा पहले प्लीज, मैं डर लग रहा है यार। बड़े प्यार से बोलना पड़ता है प्यार। सर जी थोड़ा साइड। सर जी थोड़ा प्लीज, कृपया करके थोड़ा। सर जी आप भी थोड़ा जाओ, इसे डर लगता है। सर जी थोड़ा सा। सर जी थैंक यू। तो गाइज फाइनली 2-3 घंटे के इंतजार के बाद फाइनली हमने फोन ले लिया है, पूरा डेटा ट्रांसफर कर लिया है और अभी ये शूट हो रहा है जी 14 प्रो मैक्स से। क्या बात है, मुझे लगा था 5-10 हजार एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, लेकिन नहीं 39,000 एक्स्ट्रा डालने पड़े, क्योंकि थोड़ा बहुत महंगा हो गया मेरे, लेकिन कोई बात ही, लेना था तो ले लिया। अभी फिलहाल डायरेक्ट चलते हैं अब गेस्ट हाउस, काफी लेट हो गया। And finally, we are back to the guest house, back to the room. तो guys, आ गए जी रूम पे और जैसा कि आप सबने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना नया फोन ले आए हैं 14 Pro Max। बोलना ये है कि थैंक यू सो मच, क्योंकि इसमें ना आप सबका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा। शायद आपके प्यार के बगैर ये सब पॉसिबल होता ही नहीं, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने पहला फ़ोन लाया था ना, लिटरली मैंने घर वालों से भीख मांग के लाया था, मतलब प्लीज़ फ़ोन दिला दो यार, प्लीज़ फ़ोन दिला। उसके बाद कितना वेट कराया घर वालों ने, उसके बाद फ़ोन मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से
मैंने 1.5 लाख का फ़ोन ऐसे लाया जैसे 10 रुपए की चीज़ थी, मतलब ना घर वालों को पता है ना कुछ। इसलिए पॉसिबल हुआ आप सब की वजह से, आप सब ने इतना प्यार किया मुझे जिसकी वजह से आज बहुत बढ़िया चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ अपने अपने पैसों से, तो ये अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ ऐसे आप मुझे प्यार करते रहेंगे हमेशा। फिलहाल अभी अब शहरी के लिए कुछ तैयार करता हूँ मैं, सब्जी वगैरह। थोड़ा बहुत इमोशनल भाषण हो गया, इस व्लॉग को करते हैं एंड। एडिट भी करना है यार व्लॉग, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद है व्हाट सो रीजन यू लाइक, आई विल सी यू सम अदर डे। टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।